मैं शंकर कुमार यादव, जहाँ से सर बिलोंग्स करते हैं उसी के जस्ट मैं भी राजधनवार जमामा माता मंदिर, शायद आप लोग परिचित होंगे जमा माता मंदिर से, मैं भी वहीं से बिलोंग्स करता हूँ। मैं आज बताने जा रहा हूँ मेडिटेशन का पर्पस। मेरी मम्मी प्रॉपर, मतलब जब मैं 10th क्लास में था तो मेरी मम्मी मतलब जो होता है गायत्री परिवार से ना, वो मेरे घर में भी बिलोंग्स करती है। तो मेरी मम्मी मुझे बोलती रहती थी चलो बेटा वहाँ पर ये होता है, मतलब ओम इसी तरह जो गायत्री मंत्र होता है उसका उच्चारण होता था। तो मैंने कंटिन्यूसली वहाँ पर गया और मैंने बहुत चीज़ वहाँ से सीखा और नॉलेज भी बहुत ज़्यादा मुझे गेन हुआ। फिर धीरे धीरे मुझे नोबेल्स वगैरह पढ़ने में ये सब गायत्री मंत्र वगैरह वाला जो रहता है, मतलब रिलीजियस कंडीशन में आने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक हो गया है। इसलिए फिर मैंने 12th किया, 11th किया और मुझे इस मेडिटेशन के क्लास में होते हुए इतना मुझे शौक आ गया कि मुझे लिटरेचर फील्ड में जाने का पूरा ये मन एकत्रित हो गया और मैंने इंग्लिश ऑनर्स से लिटरेचर फील्ड में ही सब चीज़ किया है और मुझे आगे यही फील्ड में करना है। और मैं आज भी नोबेल गायत्री मंत्र का पूरा ये पढ़ता हूँ। इसलिए जिस तरह एक बात आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, जिस तरह सबको मतलब यहाँ श्रृंखला की तरह जिस तरह सुरेश सर, आनंद सर जिस तरह मेहनत कर रहे हैं, उस तरह हम लोग भी थोड़ा थोड़ा एफर्ट कीजिए ताकि और नए नए युवाओं को भी पता चले कि यहाँ पे ये इस तरह होता है, ताकि मेडिटेशन से कितने लाभ उठाया जा सकता है। सभी भाइयों को इतना ही करके हम थैंक यू बोलना चाहते हैं। और क्या बोलें, बहुत बहुत धन्यवाद।